जय श्री महाकाल। हरिहर। हर मानव अपनी दृष्टि में पूज्यता में होगा, अर्थात यदि पूज्य दृष्टि रखता है अपने आंतरिक में, हर मानव के प्रति, हर जीव जंतु के प्रति, हर वनस्पति के प्रति, हर खनिज के प्रति, तो सिर्फ महान सेवाएं देने वाला है। और महान सेवाएं कैसे देगा? पूरे खिलखिलाहट होते हुए, पूरी स्वतंत्रता पूर्वक, पूरी सरलता पूर्वक, पूरी स्पष्टता पूर्वक, पूरी सजगता पूर्वक, पूरा सटीकता पूर्वक और पूरा स्वतंत्रता पूर्वक, और वहां पूरा फैलेगा। ठीक है। अब यदि मानो अपनी दृष्टि तुच्छता में रखता है, छोटी अपनी विचारधारा व्यवहार है ना रखता है, तो वहां सिर्फ बेकार सेवा देने वाला है, वहां सिर्फ वो सिकुड़ते हुए काम करता रहेगा, घबराहट होते हुए काम करता रहेगा, चिड़चिड़ाहट होते काम करता रहेगा, सेवा देते रहेगा। किसी के लिए भी सेवा करेगा तो चिड़चिड़ करके देगा, उसका कोई भी कल्याण नहीं होता। और फिर वहां पे सिर्फ वहां पे परतंत्रता में रह जाता है, बंधन में रह जाता है, घिस घिस करके घर्षण हो जाता है। ठीक है। तो ध्यान से सुनिए अब कि मानव जाति की दृष्टि किस प्रकार होना चाहिए। जागृत अवस्था में होगा तो मानव निस्वार्थ, निश्चित, निरंतर सेवा देगा, वो नित्य शाश्वत में होगा, और वो तभी होगा जब उसकी पूज्य दृष्टि हो जाती है। हर मानव जाति, हर जीव जंतु, वनस्पति, खनिज, संसार और पूरे ब्रह्मांड तत्व के लिए, हर तत्व के प्रति, वो तभी हो पाता है जब परम सत्य जो अस्तित्व में जो एक्चुअली बड़ा है, जो सर्वव्यापकता है, जो व्यापक है, जो अस्तित्व है, उसको जान लिया तो फिर उसके जीवन में वहां बड़ा हो जाता है। और फिर बड़ा हुआ तो उसके जीवन में दृष्टि बड़ी होती है, दृष्टि बड़ी होने के बाद ही उसके जीवन में पूज्य हो जाता है, फिर सबके लिए वो महान सेवा देता है, हर मानव के लिए महान सेवा देगा। जब अपने अंदर पूज्यता होगी, पूज्य दृष्टि होगी, तभी हर मानव जाति के लिए महान सेवा देगा। और महान सेवा देने के बाद ही उसके आंतरिक में वो सुखी होगा, शांति में होगा, संतोष में होगा, आनंद में होगा। और वहीं पे मानव निरंतर सेवा देगा, निश्चित सेवा देगा, नित्य देगा, शाश्वत में देगा और अनंत सेवा देगा। यही हर मानव जाति की जागृति का कार्यक्रम है और यही होना है हर मानव जाति को। परंतु यदि भ्रमित अवस्था में रहता है मानव, तो सिर्फ तुच्छता दृष्टि में होगा, वहां सिर्फ और सिर्फ मानव स्वार्थ अंतर सेवा देगा, और जिस कारण से वो सब कुछ छोटा माना हुआ रहेगा, जाना कुछ नहीं उसने, छोटा माना हुआ है, और छोटा माना होते हुए ही उसके अंदर सब कुछ तुच्छ रहेगा, बेकार। और जिस कारण से उसकी जितनी भी सेवाएं हैं, पूरे चिड़चिड़ाहट होते हुए, घबराहट होते हुए, व्याकुल में होते हुए, अस्पष्टता पूर्वक, परतंत्रता पूर्वक वो पूरी सेवा प्रदान करेगा, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होगा, सब व्यर्थ होगा और सब अनर्थ होगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अपनी दृष्टि में पूज्यता लाइए, तब महान सेवाएं होंगी। ठीक है। तो पूरी मानव जाति में अभी पूरी क्या हो रहा है, अपनी दृष्टि जितने भी हर तत्वों के प्रति क्या हो रहा है, भ्रमित अवस्था में मानव सिर्फ क्या कर रहा है, तुच्छता दृष्टि बनाए रखा है, सब कुछ छोटा माना हुआ सबको। ठीक है। स्वयं को भी छोटा मान लिया है और सबको छोटा मान लिया है, ये पूरी भ्रमित अवस्था है।
असली जागृत अवस्था ये है कि हर तत्व को जब आंतरिक में, जब पूज्य दृष्टि में रखता है, सबको महान, सबको देव और दिव्य दृष्टि से देखता है, तो फिर उसके अंदर महान सेवाएं प्रदान होती है, उसके तरफ से पूरी महान सेवा प्रदान होगी परोपकार में और उपकार में। और यही होना है हर मानव जाति को। ठीक है, तो अब अपने जीवन में महान सेवाएं देना चाहते हैं और महान आत्मा बनना चाहते हैं। महान आत्मा वही हो पाते हैं, महात्मा, जो महान सेवाएं देते हैं। हर मानव जाति के लिए, हर जीव जंतु के लिए, हर वनस्पति के लिए, हर खनिज के लिए समानता का भाव व्यक्त करते हैं। हर मानव बड़ा है, हर जीव जंतु बड़ा, हर वनस्पति बड़ा, हर खनिज बड़ा, फिर सेवाएं सबके लिए दिव्य होंगी, देव देवी देवता पूजिता होंगे, क्या दिक्कत। तो इसलिए सभी मानव को क्या करना है, पूज्यता में रखिए, तो फिर निस्वार्थ सेवा निकलेगी। यदि आप दूसरे मानव को तुच्छता समझेंगे तो कोई सेवा नहीं निकल पाएगी, अंदर से किसी के प्रति सेवा नहीं निकल पाएगी। ध्यान से सुनिए, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी को आपने ऐसी माना हुआ है, सेवा नहीं कर पाएंगे आप, और कर भी रहे तो घर्षण में होगी, तो कोई मतलब नहीं, सब बेकार है। अपनों के प्रति, परायों के प्रति है ना चुगली कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अभाव कर रहे हैं, तो क्या आप क्या सेवा दोगे आप? जो भी सेवा दे रहे हैं कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है, क्योंकि आप एट द एंड उनके लिए आंतरिक में बहुत गलत भाव है। ठीक है, सिर्फ मैं मेरा पे बात करेंगे तो फिर वह दिक्कत हो जाएगी, आपको समस्याएं हो जाएगी, कष्ट में हो जाएंगे, संकट में हो जाएंगे, भय में हो जाएंगे, और यही हो रहा है पूरी मानव जाति में, भ्रमित अवस्थाओं में। तो इसलिए जागृत होना है, जागृत होके हर मानव जाति को अब असली दृष्टि दिशा कला में कार्यक्रम में होना है और वहाँ सिर्फ महान सेवाएं देना है, जो हर मानव, हर जीव जंतु, हर वनस्पति, हर के निसंसार, हर पंच तत्वों के लिए, सबके लिए निश्चित निरंतर नित्य सेवा हो सके। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।